स्ट्रेंड्स आई एम गजेंद्र शर्मा वेलकम टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल इन गोइंग टू डिस्कस समाइज आप लोगों के जो चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइज है उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या इन पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने तीन पार्ट को डिस्कस कर लिया तीन पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों के बुक के अंदर के एग्जाम्पल्स से जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखते थे मैंने उन सवालों को करा दिया उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज जो क्वेश्चन थे पहले अगर मैं बात करूं बेटा पार्ट वन की तो पार्ट वन के अंदर मैंने 11.1 से लेकर 11.6 तक

मशीन इट लॉस टू किया है वो क्या हो रही है या तो हम लोग बोल सकते हैं यूज हो रही है या हमारे जो surroundings हैं उसके अंदर क्या हो रही है बेटा वो वहां पे लॉस हो रही है दो चीजें हैं या तो वो लॉस हो रही है या हमारी क्या हो रही है बेटा उस हीट को हम लोगों को जो मशीन है उसको स्टार्ट करने में वो हमारी क्या हो रही है लूज हो रही है अब बोला है सराउंडिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ द एल्यूमिनियम इज जीरो पॉइंट नाइन वन जूल ग्राम माइनस वन केलविन माइनस वन ये हमें दिया है ये डेटा हमें दिया हुआ है अब सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पता लगेगा कैसे कि सर इसके अंदर क्या है पहली कंडीशन जो हमें दी है वो क्या कंडीशन दी है कि हमारी मशीन है उसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होगा इतनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है और उसने क्या किया टू मिनट्स के अंदर फिफ्टी पावर को क्या किया है अब्जॉर्व कर लिया या हम लोग बोल सकते हैं सराउंडिंग्स है उसमें क्या किया है उसका लॉस कर दिया यानी कि सर सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कितना उसने हमारी ई है उसको अब्जॉर्व किया है तो उसको हम लोग बोल देते हैं या तो क्यों बोल दीजिए या ई बोल दीजिए जो भी आप लोगों को बोलना है आप लोग उससे डिनोट कर सकते हो सबसे पहले मैंने क्या किया यहां ई ईब्जॉर्व निकाल लेता हूं क्या करता हूं, निकाल लेता हूं। कितना आएगा देखिए सबसे पहले कैपेसिटी कितनी है टेन थाउजेंड

मशीन और इटसेल्फ और लॉस टू द सराउंडिंग यानी कि सर इसके अंदर क्या हुआ है हमारा क्या हुआ है 50% परसेंट को क्या किया सराउंडिंग्स के अंदर हमने क्या किया है उसको या तो उसको हीट करने स्टार्ट करने में कर दिया है या फिर हमारे जो सराउंडिंग से उसके अंदर क्या किया लॉस कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 10000 2.5 अब एक चीज मुझे बताइए स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग किसके अंदर लेते हैं वैल्यूज को सेकंड के अंदर यहां पे क्या दे रखा है मिनट दे रखा है एक मिनट में कितनी सेकेंड होती है सर सिक्सटी तो इंटू हो जाएगा सिक्सटी इंटू में कितना आ जाएगा यहां पे उसने क्लियरली मेंशन किया है अज्यूमिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ दी पावर इज यूज फिफ्टी परसेंट यूज कर रहा है और फिफ्टी परसेंट यूज कर रहा है यानी सर फिफ्टी बाई हंड्रेड फिफ्टी बाई हंड्रेड हमारा हो जाएगा अब देखिए एक जीरो से एक मल्टीप्लाई करो और बताओ कि सर इतनी हमारी क्या हुई है हीट जो है ना बेटा इतनी हमारी क्या हो गई है हो गई है तो देखिए कितना हो जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से सिक्स से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो सिक्स टू जो ट्वेल्व और पॉइंट यानी कि हाफ यानी फिफ्टीन हो गया क्योंकि

हाउ मच इज द राइज इन द टेंपरेचर कि सर टेम्परेचर के अंदर कितना राइज आया है और टेम्परेचर के अंदर इतना राइज आया है तो वो राइज का मतलब क्या हुआ सर हमें फाइंड करना है डेल्टी क्या फाइंड करना है बेटा डेल्टी हमें फाइंड करना है और डेल्टी हमें कहां से मिलेगा सर डेल्टी हमें मिलेगा अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को ढंग से देखा है तो यहां पे एक वर्ड बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट की बात की अगर स्पेसिफिक हीट की बात की है तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो किसकी बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक हीट जो होती है अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ तो कितनी होगी भाई ये हमारी हो जाती है सर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं एस तो ये हमारी हो जाती है इसको मैं क्या बोल देता हूँ एस बोल देता हूँ तो ये हमारी हो जाती है क्यों बोल दीजिए या ई ऑब्जॉर्व e बोल देती मैं क्यों से आपको डिनोट फार्मूला सिखा रहा हूं तो लिख देता हूं एम और डेटी एम और डेट ये हमारी होती है स्पेसिफिक हीट क्या होती है स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट की हम लोग बात किए क्यों मतलब क्या होता है सर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं यानी कि जो हीट के लिए काम हो रहा है और ये e ऑब्जर्व है या तो ये हीटिंग के लिए हो रहा है ये कंफर्म नहीं है या तो ये हीट के लिए भी हो सकता है और या फिर ये हमारा किसके लिए हो सकता है बेटा हमारे लॉस के लिए भी हो सकता है तो मैं क्या बोल देता हूं सर ये किसके इक्विलेंट होगा ये इक्विलेंट हमारा होगा ये इक्विलेंट जो होगा हमारे ये हमारे हो गए क्यू के इक्विलेंट क्या होगा बेटा के इक्विलेंट हमारा होगा ठीक है

बोलो भाई क्लियर है टेन टू डी पावर थ्री अगर ये टेन टू डी पावर थ्री है ऊपर जाएगा तो टेन टू डी पावर टू हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा टेन टू पावर टू जाएगा यानी कि सर जाएगा सेवन पॉइंट फाइव इंटू में टेन टू डी पावर टू अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा एट इंटू जीरो पॉइंट नाइन वन कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन वन फाइव टेन टू डी पावर टू क्या है सेवनटी फाइव टेन टू डी पावर टू है सेवनटी फाइव टेन टू डी पावर टू ये हमारे पास आ गया है अगर ये आ गया है तो ये कितना हो जाएगा सर इसको अगर मैं देखता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 1.03 पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू पावर टू क्या हो जाएगा वन पॉइंट कितना हो जाएगा वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू डी पावर टू हो जाएगा यानी कि सर सीधा सीधा हमारा हो जाएगा वन जीरो थ्री डिग्री सेल्सियस बोलो भाई क्लियर है नहीं ये हमारा कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है सर राइस क्या आ रहा है बेटा राइस हमारा आ रहा है कि इसके अंदर इतना राइस हुआ है यानी सर हम लोगों ने जब देखा है इसको तो क्या हो गया देखिए इसको आप लोग चाहो तो सेवन फिफ्टी फॉर्म में ले जाओ नहीं तो आप लोग इसको सीधा सॉल्व भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई यानी सर 7.5 पॉइंट फाइव इंटू टेंट पावर टू हो गया एट इंटू जीरो पॉइंट नाइन हो गया है और 1.03 पॉइंट थ्री इंटेंट पावर टू हो गया वन जीरो थ्री डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया है, क्लियर है अब हम लोग बढ़ते की और, क्या की मैं बात कर रहा हूं बेटा इलेवन पॉइंट थर्टी की मैं बात कर रहा हूं तो इसको देखिए क्या बोला है कॉपर ब्लॉक ऑफ मास टू पॉइंट फाइव के जी इज हीटेड इन अज टू अचर ऑफ फिव डबल जीरो डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस बॉक्स या ब्लॉक व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट है, ठीक है भाई ये हमारे पास है अब दो चीज है दो चीजों को पकड़ना दो चीजों को पकड़ना ये सर इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है बेटा एक कॉपर ब्लॉक है उसका मास कितना है उसका है टू पॉइंट फाइव जी यानी सर अगर मैं कॉपर ब्लॉक की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं कॉपर ब्लॉक की कर रहा हूं तो यानी कि मेरा मास ऑफ ब्लॉक में बोल दूं तो वो कितना हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक कितना है 2.5 पॉइंट कितना है 2.5 कितना ओके चलो ठीक है मान लिया आगे क्या बोला है इन अ अ टू ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर कितना दिया है टेम्परेचर हमें दिया है फाइव डिग्री सेल्सियस ओके देन द प्लेस ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक ठीक है भाई हो गया वट इज द मैक्म अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर यानी कि मैं बोल देता हूं कॉपर का मतलब क्या है ब्लॉक की बात है यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक के लिए जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा वो हमें दे रखी है जीरो पॉइंट थ्री नाइन जे जी माइनस वन के माइनस वन ओके देखिए भाई ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए आप लोगों को याद रखना है इसका जो ये यूनिट कैसे आती है यूनिट को भी आप लोगों को याद रखना है जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट मिले यूनिट कैसे आई देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होगा अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैं बात करता हूं तो क्या होता है क्यू अपॉन में हो जाता है क्यू अपॉन में हमारा हो जाता है बेटा मास इंटू में मास इंटू में क्या हो जाता है बेटा डेल्टी अब यहां से देखिए क्यू का मतलब मतलब क्या होता है जूल

मेल्ट मेल्ट का मतलब क्या है कि अगर वो मेल्ट हो रही है तो मेल्ट का केस है देखो मेल्ट का मतलब क्या होता है स्टेट चेंज हो रही है अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पे हमारी किस का फॉर्म आ जाता है सर वहां पे हमारा एक फॉर्मूला जाता है जो हमारा क्या हो जाता है लैटेंट हीट का आ जाता है क्या हो जाता है लैटेंट हीट यानी कि सर इस जगह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं क्यू की बात करूंगा तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा एम एल हमारा हो जाएगा याद रखेगा याद रखेगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ वाटर ये हमारी क्या है एक्चुअली में ये हमारी होती है लैटेंट हीट क्या बोलते हैं इसी को हम लोग

ठीक है भाई अगर ये हमारे पास आ गया है तो अब देखिए क्या ये तो हमने निकाल लिया है क्यू क्यू निकाल लिया है क्या निकाल लिया है एम एस डेल्टी क्यू हमने निकाल लिया है ये क्या निकाला है एम एस है और ये हमने क्यू निकाल लिया अब बात आती है सर क्यू तो हमारा निकल गया एम हमें चाहिए तो ये क्यू को इक्वल कर दो इसको क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल और एम अगर मुझे चाहिए ये क्या है मेल्ट ऑफ आइस की बात कर रहे हैं ये हमारा फाइनल की मैं बात कर रहा हूं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी कि ये आइस के लिए बेटा क्या है आइस याद रखिएगा ये क्या है आइस अगर ये आइस के लिए है तो क्यू अपॉन एल एफ और क्यू कितना है सर टू पॉइंट फाइव इन टू में हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री नाइन इन टू में हो जाएगा टेन टू दी पावर थ्री इन टू में हो जाएगा फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एल लेटेंट हीट कितना है भाई थ्री थ्री फाइव कितना है थ्री थ्री फाइव टू में टेन टू डी पावर थ्री बस हो गया काम हो गया काम क्या हो गया बेटा हो गया काम अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए थ्री थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री हो गया थ्री थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री हो गया अब एक चीज मुझे बताओ सर ये टेन टू डी पावर थ्री है इस टेन टू डी पावर थ्री से टेन टू डी पावर थ्री कैंसिल आउट ठीक है भाई मान गए इससे हमारा अगर मैं यहां पे देखू तो एक चीज बताइए सर इसको अगर मैं फाइव से कैंसिल आउट करता हूँ तो हंड्रेड हो जाएगा और इसको अगर मैं देखता हूँ तो फाइव से तो ये कितना हो जाएगा फाइव से हो जाएगा सर इसको अगर मैं देखता हूँ तो छः पंजे तीस तीस तीन सिक्सटी सेवन कितना हो जाएगा सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन हो गया हंड्रेड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा देखिए सर टेन से करोगे तो ट्वेंटी फाइव टेन यानी सर ये हो जाएगा टू फिफ्टी इंटू में जीरो पॉइंट थ्री नाइन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सिक्सटी सेवन ये हमारा हो गया अगर 67 है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी बार ये जा सकता है सर 67 यानी कि सिक्स फोर टाइम्स ये हो जाएगा जीरो पॉइंट यानी कि सर अप्रोक्सीमेटली 1.4 के समथिंग आ रहा है कितना आ रहा है 1.4 के समथिंग आ रहा है 1.4 के समथिंग आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट कितना हो जाएगा वन हमारा ये आ जाएगा और ये एक्चुअली में है क्या है सर मास है तो मास का मतलब क्या हो जाता है केजी इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ले लो 1.5 केजी के, के किसके 1.5 केजी के आप लोग इसको ले लो क्या ले लो 1.5 केजी के आप लोग इसको ले लो ठीक है भाई अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे और देखते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल वाइज करा रहा हूँ जिससे क्या आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इजीली आप लोग कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है कि सर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल अ 0.20 केजी ब्लॉक ऑफ द मेटल एट वन डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अपर कैलोरी अब यहां पर एक वर्ड आया है कैलोरी इसको पकड़ लो कैलोरी मीटर का प्रिंसिपल क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो जब मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था कैलोरी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरी मीटर हमारा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्या होता है कि हीट लॉस्ट हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हमारा होता है हीट गेन या गेन हीट बोल दीजिए या गेन ये हमारा होता है याद रखियेगा हीट लॉस इज इक्वल टू होता है हीट गेन ये आपको याद रखना क्या होता है हीट लॉस इज इक्वल टू होता है हीट गेन हमारा हो जाता है ठीक है है भाई ये हमारा हो जाता अगर ये हो जाता है तो अब वर्ड को पकड़िए आगे मैंने यहाँ कैलोरी मीटर का प्रिंसिपल बता दिया बोला है ऑफ वाटर इतना है कंटेनिंग वन सेंटीमीटर क्यूब अब बेटा ये हमें दे रखा है क्या दे रखा है सर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दे रखा है ये हमारी किसकी वाली है अब एक चीज आपको याद हो फार्मूला तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था क्या बताया था वीज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन रो ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी इन टू रो और ये जो वी है इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब है यानी सर इसका वैल्यू कितना है वन ग्राम है अगर ये वन ग्राम है तो इसका मतलब क्या हो गया सर वन फिफ्टी ये है तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन फिफ्टी और किसमें आ जाएगी ग्राम के अंदर 150 किसके अंदर आ जाएगी ग्राम के अंदर ठीक है आगे देखिए ऑफ वाटर एट द फाइनल डिग्रीचर इज कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इफ हीट लॉसिस टू द सराउंडिंग आर नॉट नेगलिजिबल इज योअर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल अब चीजों को कलेक्ट करिए चीजों को कलेक्ट करिए। सबसे पहले देखिए हमारा क्या दे 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 रखा रखा है? दो दे रखी है दो चीजें एक तो हमें मेटल के लिए और और दूसरा हमारा क्या है? वाटर वाटर के 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 लिए। लिए लिए बस दो चीजों काम काम हो हो जाएगा। जाएगा। मेटल मेटल को पकड़ लो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक के लिए मैंने हीट लॉस कंप्यूट द स्पेसिफिक स्पेसिफिक मेटल ये हमें निकालना है अगर ये निकालना है तो देखिए हीट लॉस क्या हो जाएगा आप लोगों को याद होगा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एम 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 एस 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 डेल्टा 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 टी 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 क्या क्या होता होता है है आपको याद है अगर एम एस डेल्टा टी अगर याद है तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा एम यानी कि जो ब्लॉक ले लीजिए या फिर मेटल ले लीजिए बात है तो मैं ले लेता हूं एम एम एस एम और डेल्टा टी फॉर और ये क्या हो जाएगा गेन गेन किसने किया है वाटर ने किया है तो ये हो जाएगा एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू में हो जाएगा बेटा डब्ल्यू ठीक है अब देखिए यहां से सबसे पहले देखिए मैंने सारी वैल्यू निकाली मुझे चाहिए एस एम की वैल्यू एस एम की अगर वैल्यू मुझे चाहिए तो एस एम की अगर वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा सर एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल टी डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा एम एम डेल टी एम बोलो भाई क्लियर है डेल टी एम ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया अब मुझे बताओ मास ऑफ वेट अब वेट कितना है उसका अगर मैं वाटर की बात करूं तो 150 तो ये है ये 150 का मतलब क्या होगा ग्राम में और इसके अलावा इसने बोला है ऑफ वाटर इक्वलेंट इतना वाटर इक्विलेंट है यानी कि सर ये कितना है एक्चुअली में जीरो पॉइंट जीरो मतलब क्या है ट्वेंटी फाइव ग्राम है क्या ट्वेंटी फाइव ग्राम है और ट्वेंटी और वन फिफ्टी कितना हो जाता है बेटा ये हमारा हो जाता है सर 175, कितना हो जाता है इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ठीक है भाई टेंटी पावर माइनस थ्री क्लियर है क्लियर है अगर ये क्लियर है तो अब देखिए आगे आगे बोला है आगे हमसे बोला है सर एस डब्ल्यू और एस डब्ल्यू की अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है फोर पॉइंट टू इन टू में हो जाता है टेंटू डी पावर थ्री इनटू में क्या आ जाएगा डेल्टी टेम्परेचर कितना हुआ वाटर के रिस्पेक्ट में देखेगा क्या बोला है के रिस्पेक्ट में? 150 water, 25 40 yani कि सर दोनों का चेंज कितना हो गया है? 13. दोनों का चेंज कितना दोनों का चेंज 13 है तो अपॉन में कितना आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा सर एम एम एमएम का मतलब ब्लॉक के लिए कितना है बेटा ब्लॉक के लिए ब्लॉक के लिए अगर आप लोग इसको निकाल रहे हो तो इसको लिख दो इसको क्या है सर जीरो है पच्चीस है जीरो पॉइंट के जी अगर जीरो पॉइंट ट्वेंटी के जी है तो इसका मतलब क्या है सर इसको जीरो पॉइंट ट्वेंटी इंटू टेंट डी पावर थ्री लिख दो टू डी पावर थ्री लिख दो सीधा सीधा जीरो पॉइंट ट्वेंटी इंट टेन टू टी पावर थ्री लिख दो कोई दिक्कत नहीं है टेन टू पावर थ्री लिख रहा हो तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है डेल्टी और डेल्टी का मतलब क्या है सर वन फिफ्टी उसका था मेटल के लिए एट वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अपर कैलोरी मीटर कंटेनिंग फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस द फाइनल टेम्परेचर इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस अगर फाइनल टेम्परेचर फोर्टी डिग्री है तो यानी कि इन में कितना सर वन वन टेन कितना हो जाएगा वन वन टेन क्योंकि वन फिफ्टी माइनस देखिए वन फिफ्टी माइनस फोर्टी करोगे बेटा कितना बचेगा 1110 हमारे पास बचेगा डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या बचेगा 1110 बचेगा डिग्री सेल्सियस के अंदर 1110 बचेगा डिग्री सेल्सियस के अंदर ठीक है भाई 1110 बचेगा डिग्री सेल्सियस के अंदर क्लियर है अगर ये क्लियर है तो बस अब काम हो गया है चलते हैं स्टार्ट कर देते हैं इसको और सॉल्व करना लग जाते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां से देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट कोई दिक्कत नहीं है कैंसिल आउट हो गई क्या बच गया ऊपर देखिए ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बच गया है सर बच गया है वन सेवेंटी फाइव इन टू में हो गया है फोर पॉइंट टू इन टू में हो गया है थर्टीन डिवाइडेड बाई क्या हो गया जीरो पॉइंट ट्वेंटी इन टू में क्या हो जाएगा वन वन टेन वन वन टेन इन टू में क्या हो जाएगा टेन टू डी पावर थ्री

थोड़ा सा देखिए मैं क्या करता हूँ एक चीज़ याद रखिएगा मैं क्या करता हूँ इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा सर टें टू पावर इसको चाहे कैंसिल आउट कर दो पहले देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करो किससे फाइव से करो फाइव फाइव का क्या हो जाएगा थ्री यानी कि फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा सर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू हमारा हो गया ट्वेंटी टू हमारा हो गया है अगर ये हमारा हो गया ट्वेंटी टू तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सर टेन टू टी पावर माइनस थ्री टन टू डी पावर माइनस थ्री क्या हो जाएगा टू टेंट पावर माइनस थ्री यानी कि सर सीधा सीधा ये हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 35 फाइव इंटू फोर पॉइंट टू अपॉन में कितना हो जाएगा 0.20 पॉइंट ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी टू इंटू पावर थ्री ये हमारे पास हो गया है थर्टी फाइव इंटू फोर पॉइंट टू इंटू थर्टीन इंटू टू डी पावर थ्री टेन टू डी पावर थ्री ये हमारे पास आ गया है अगर ये हमारे पास आ गया है तो अब देखो काम क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारा आ जाएगा फोर थ्री फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री क्या हो जाएगा फोर थ्री फोर कितना हो जाएगा फोर ये ऊपर जाएगा माइनस का हो गया फोर थ्री फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री और इसको अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा सर ये हमारा कितना हो जाएगा यहां से देखें सर इसको मैं लिखना चाहूंगा जीरो तो पॉइंट फोर थ्री फोर हमारा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर हमारा हो जाएगा क्या है जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर हो जाएगा ये हमारी क्या आ गई है सर स्पेसिफिक हीट आ गई है क्या आ गई बेटा स्पेसिफिक हीट आ गई है और इसका यूनिट किस में चला जाएगा यूनिट किस में चला जाएगा जल्दी से सोचो सर यूनिट किस में चला जाएगा यूनिट हमारा हो जाएगा बेटा इसके अंदर देखिए स्पेसिफिक हीट की बात है स्पेसिफिक हीट है तो यानी कि सर ये इसको हम यहाँ से निकालता हूँ ऐसे निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा क्यू ओपन एम डेल्टा टी एम डेल्टा टी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है इसको ग्राम में किसमें कन्वर्ट कर दिया ग्राम में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था और ग्राम में कन्वर्ट कर दिया देखिए मैंने इसको टू पावर थ्री लिख के इसको ग्राम में ले गया है ना टू पावर थ्री लिख के क्या किया मैंने ग्राम में ले गया अगर ग्राम में आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया सर वैल्यू तो, किस में आ रही है ग्राम में ही आ रही है क्या आ रही है बेटा ग्राम में ही इसकी वैल्यू आ रही है अगर ग्राम में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया सर ये तो हो जाएगा जूल अपन जी माइनस वन ठीक है वो जी प्लस वन और क्या आ जाएगा यूनिट ये किस में आया है सर ये किसके यूनिट है अगर इसमें टेम्परेचर को हम लोग देखें तो डिग्री सेल्सियस क्या है डिग्री सेल्सियस ठीक है सेल्सियस याद रखना हमारा 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 क्या क्या हो 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 जाएगा 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 इसका इसका आंसर आंसर ठीक है यह क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्लियर है? है सवाल बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सवाल है अब नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि गिविन बिलो आर ऑब्जर्वेशन ऑन द मॉलर स्पेसिफिक हीट क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट रूम टेम्परेचर ऑफ द सम कॉमन अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ना बेटा ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती है क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट होती है जिसको बोलते हैं सीवी क्या बोल देते हैं सीवी ये हमारी होती है एफ आर बाई टू क्या होती है एफ आर बाई टू क्या हो जाती है एफ आर बाई टू हमारा होता है यहाँ पे जो ये एफ होता है ना बेटा ये हमारा होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक है भाई नेक्स्ट अब हमें क्या बोला है आगे देखिए ये तो हमारी होगी हाइड्रोजन के लिए कुछ ऐसा दे रखा है कुछ हमें इसके लिए दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है क्या दे रखा है हमें पूछा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं पूछा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें बोला है द मेजर्ड मोलर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर मोनो एटोमिक गैसेज अब एक चीज याद रखिएगा यहां पे दो गैसेज को हम लोग काम में लेते हैं एक होती है मोनो और एक हमारी होती है डायटोमिक ठीक है तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं मोनो एक हमारी होती है डायटोमिक

एफ आर बाई टू था अगर एफ आर बाई टू है तो एक चीज मुझे बताइए यहां पे हमें पूछा है देखो क्या पूछा है हमें बोला है कि ये हमें देख स्पेसिफिक मोनो एटोमिक गैस इज टू पॉइंट नाइन टू यह हमारा आ गया है टू पॉइंट नाइन टू ये हमारा आ गया है एक्सप्लेन दिस डिफरेंस वट कैन यू इंटरफेयर फ्रॉम द सम वट लार्जर दैट द रेस्ट वैल्यू फॉर द क्लोरीन क्लोरिन की बात है सिक्स पॉइंट वन सेवन है क्लोरीन की अगर बात करते हो तो कितना दे रखा है सर सिक्स पॉइंट वन सेवन है 6.17. अब मुझे बताइए अगर मैं फ्रीडम की डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगी सर तीन लूंगा तो ये तो बहुत कम होगी ये इसके साथ चली आएगी क्योंकि यहां मोनो मोनोआइटमिक गैस के लिए तो उसे ऑलरेडी ले लिया मोनोआइटमिक के लिए तो ऑलरेडी ले लिया अगर मोनो एटमिक के लिए ऑलरेडी ले लिया तो फिर तो काम हो गया खराब मोनो के लिए अगर ऑलरेडी ले रही है फिर तो काम हो गया खराब अगर मोनो के लिए ऑलरेडी ले रखा है तो फिर तो काम खराब अगर काम खराब हो रहा है तो इसका तो मतलब क्या है सर मेरे को फाइव लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा फाइव मुझे लेना पड़ेगा और इसको क्या करूंगा फाइव इंटू वन पॉइंट नाइन एट है डिवाइडेड बाई टू करोगे कितना हो जाएगा भाई फाइव और अप्रोक्सीमेटली अगर इसको मैं लेता हूं तो नाइन फोर फाइव कितना होता है यानी सर लगभग अप्रोक्सीमटली अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वो देखिए अप्रोसीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए अगर ये अब टेन होता तो टू मतलब फाइव हो जाता टेन होता तो फाइव हमारा हो जाता क्या हो जाता है टेन होता तो फाइव हमारा आ जाता क्या हो जाता है फाइव हमारा हो जाता तो यानी कि सर ये अप्रोक्सीमेटली हमारी आ जाएगी 4.95 पॉइंट नाइन अप्रोक्सीमेटली फोर ठीक है अगर ये 4.95 है तो इसका मतलब क्या है सर इससे तो वैल्यू कम है अगर इससे वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है सर कुछ ना कुछ इसमें एक चेंज आ रहा होगा हो रहा है कुछ ना कुछ तो चेंज कहीं ना कहीं आ रहा है जो हमें क्या है पता नहीं लग रहा है कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है जो हमें क्या है पता हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोग क्लोरीन के लिए मिस कर रहे हैं वो ये है बेटा कि क्लोरिन के अंदर एक एक्स्ट्रा डिग्री और होती है जो हमारी क्या होती है वाइब्रेशनल होती है क्या होती है बेटा वो हमारी हो जाती है वाइब्रेशनल फ्री डिग्री होती है अगर सिक्स में ले, ले लेता हूं ना तब जाके हमारी वैल्यू क्या होगी उसके इक्वल अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी क्या होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी उसकी इक्वल आ जाएगी यानी कि सर इसके अंदर हमारा जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है एक वाइब्रेशनल डिग्री की वजह से आ रहा है क्या हो रहा है बेटा एक वाइब्रेशनल डिग्री की वजह से आ रहा है यानी कि सर वाइब्रेट ड्यू टू एफ क्या है हायर हमारा आ रहा है क्या हो रहा है एफ हमारा क्या आ रहा है हायर आ रहा है एफ का क्या होगा हायर होगा एम एफ क्या होगा हायर होगा कब की बात है जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे फ्री डिग्री की क्यों क्योंकि अगर एक वाइब्रेशनल मैं ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा एफ हमारा क्या हो जाता है हायर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा हायर हमारा हो जाएगा यह चीज याद रखिए क्या हो जाएगा हायर हमारा हो जाएगा बस इतना सा है इसका ये रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ चाइल्ड रनिंग अ टेम्परेचर ऑफ वन जीरो वन डिग्री फेर हाइट इज गिवेन एन एंट्रिप्रीन आइदर अ मेडिसिन दैट लोअर फ्यूअर मतलब फीवर के लिए लोअर के लिए काम ले रहा है व्हिच कॉजेस एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज बॉडी ठीक है भाई बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आगे देखिए इफ द फीवर इज ब्रॉड डाउन टू 98 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा एवपोरेशन कॉजेस यानी कि सर एक तो हमें फाइंड करनी है रेट एक तो हमें क्या फाइंड करनी है रेट हमें फाइंड करनी है रेट हमें निकालनी है तो रेट रेट का rate हमें क्या निकालनी है बेटा एक तो हमें रेट क्या? क्या, क्या, क्या बोला है और क्या बोला है बाय द ड्रग ठीक है अज्यूमिंग बी द ओनली वे बाय व्हिच हीट इज लॉस्ट ठीक है मास ऑफ द चाइल्ड इज थर्टी के जी मास की अगर मैं बात करता हूं चाइल्ड का जो मास दे रखा है कितना दे रखा है मास हमें जो दे रखा है वो दे रखा है थर्टी के जी क्या दे रखा है थर्टी के जी हमें क्या दे रखा है मास ठीक है मास भी आ गया ओके okay. आगे बोला है द स्पेसिफिक हीट इज द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज दैट वाटर यानी कि इसने बोला है जो स्पेसिफिक हीट होगी ना बेटा स्पेसिफिक हीट होगी ना वो किसके इक्वल होगी वो सेम वाटर के इक्वल होगी अगर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं यानी कि सर स्पेसिफिक हीट की जो बात की है वो कितनी है फोर फोर पॉइंट टू इन टू टेन टू पावर थ्री सेम टू अब ठीक है एंड लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफरेशन ऑफ वाटर एट देशर अबाउटी कैलविन वन एटी दे रखा क्या दे रखा वन एटी वो oh, 580 सॉरी 580 दे रखा है 580 यानी कि सर लेटेंट हीट की बात करें टेम्परेचर इज अबाउट इतना हमें दे रखा है लेटेंट हीट के केस में क्या दे रखा है लेटेंट हीट के, के केस में हमें दे रखा है 580 क्या दे रखा है 580 हमें दे रखा है मतलब सर ये हमें दे रखा है और किसकी यूनिट क्या है कैलविन

तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग कर देते हैं फाइव बाई नाइन और माइनस करेंगे वन जीरो माइनस कितना हो जाएगा नाइनटी एट कितना हो जाएगा नाइनटी एट यानी कि सर ये हो जाएगा थ्री इंटू फाइव बाई नाइन कितना हो जाएगा फाइव बाई नाइन और ये फाइव बाई नाइन क्यों किया है आप लोगों को याद रखना है सी माइनस जीरो में कितना होता है ंड्रेड इज इक्वल टू क्या होता है एफ माइनस में जो भी वैल्यू है इनिशियल वैल्यू ये मान लीजिए जो भी मानना है मान लीजिए मैं जैसे अभी आपको जो हम लोगों ने वहां पे देखी थी उसके थ्रू बता रहा हूं तो ये रहा यहां से नाइन हो जाएगा ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो यानी कि इज इक्वल टू फाइनल हमारा क्या जाता है बाई नाइन हमारा आ जाता है ये उसके लिए जब हम लोगों ने वहां पर लोअर पॉइंट लिया था क्या लिया था बेटा लोअर पॉइंट हमने लिया था तब की मैं बात कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ लोअर पॉइंट मैंने लिया था तब की मैं बात कर रहा हूं ठीक है यानी कि सर डेल्टा टी हमारा ये आ गया क्या हो गया डिग्री सेल्सियस में ये हमारा आ गया है पर ये आ गया तो यहां से q कितना हो जाएगा m m हमारा कितना है बेटा मास के अगर मैं बात करूंगा तो 30 into में s s का मतलब क्या है सर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कितनी वाटर के इक्वल यानी कि 4.2 10 टू द पावर 3 और क्या दे रखा है सर डेल्टी डेल्टी कितना है भाई डेल्टी एस को 3 से कैंसिल आउट कर दो यानी कि 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 यानी कि सर 5/3 कितना हो जाएगा 5/3 थ्री ठीक है भाई क्या हो जाएगा फाइव बाई थ्री हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगा फाइव बाई थ्री हमारा हो जाएगा ठीक है भाई फाइव बाई थ्री हमारा हो गया अगर ये फाइव बाई थ्री हो गया है अब हम लोग देखते हैं कि सर हम लोगों ने ये तो स्पेसिफिक हीट तो निकाल लिया क्या निकाली स्पेसिफिक हीट निकाल लिया और वो हमारा क्या है एम अपॉन डेल टी है डेल टी का मतलब टी मतलब कि सर चर के रेस्पेक्ट में हम लोग वहां जाएंगे तो हमें निकालना है एमएस और एमएस हमें कैसे निकलेगा देखो आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आप आपको एक लैटेंट हीट का बताया बताया है क्या हीट का बताया है और लैटेंट हीट का जब कॉन्सेप्ट मैंने बताया है तो लैटेंट हीट क्या कहती है लेटेंट हीट कहती है हमारी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एस एल एफ और ये हमारी क्या डेल क्यू में ले लेता ले हूं क्योंकि मैंने डेल क्यू ही उसको लिया है और सीधा अगर ये डेल क्यू है तो यहां से क्या बन जाएगा देखो अगर यह डेल क्यू है तो आप लोग मुझे बताइए क्या हो जाएगा अगर लेटेंट हीट का केस है तो एक चीज़ मुझे बताइए क्या हो जाएगा अब यहां से क्या हो जाएगा सर यहां से अगर मैं देखता हूं तो एल एल की जगह हमें चाहिए एम तो एम हो जाएगा और एम हो जाएगा सर डेल क्यू अपॉन में हो जाएगा एल क्या हो जाएगा एल एफ यहाँ से डेल एल क्यू की बात करें तो कितना है थर्टी इन टू फोर पॉइंट टू इन टू टेंटी पावर थ्री इन टू फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री और आप लोगों को याद हो तो लेटेंट हीट कितनी है लेटेंट हीट का केस कितना दे रखा है सर फाइव एटी टू कैल ये हमें दे रखा है कैलरी के अंदर कैलरी के अंदर हमें दे रखा है फाइव एटी क्या दे रखा है कैलरी के अंदर दे रखा है फाइव एटी अगर ये फाइव एटी हमें कैलरी के अंदर दे रखा है अगर ये फाइव एटी हमें कैलरी के अंदर दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर इसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्यू है तो क्यू अगर एम एस हमें निकालना है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा देखिए ये हमारा हो जाएगा अगर इसको आप लोग देखते हो तो कितना दे रखा है भाई 580 दे रखा है कितना दे रखा है 580 हमें दे रखा है अगर ये 580 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 4.2 पॉइंट टू इंटू में टेन टू टी पावर थ्री ये हमारा एमएस आ गया अब मुझे चाहिए रेट क्या चाहिए रेट चाहिए दा क्या चाहिए रेट ऑफ एक्स्ट्रा वेपरेशन तो रेट की बात है तो रेट अगर मुझे चाहिए तो रेट का मतलब क्या हो गया आर ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा एम एस अपॉन टी क्या हो जाएगा एमएस अपॉन टी और एम एस अपॉन टी है तो एमएस का वैल्यू कितना है सर ये पूरा का पूरा एम एस है और टी का मतलब क्या है हमें दिया है ट्वेंटी टी का मतलब क्या है ट्वेंटी अगर टी का मतलब ट्वेंटी है तो देखिए क्या हो जाएगा सर थर्टी इन टू में फोर पॉइंट टू इन टू में टेंट पावर थ्री इन टू में फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई 580 एटी इं में फोर पॉइंट टू इन टू में ट्वेंटू डी पावर थ्री और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा टी टी मतलब कितना दे रखा है ट्वेंटी कितना दे रखा है ट्वेंटी बस खत्म मत बस खत्म मत बस हो गई खत्म मत क्या हो गई है हो गई बात खत्म क्या हो गई है हो गई बात खत्म कैसे हो गई है देखो सर इससे यह कैंसिल आउट कोई दिक्कत नहीं है यहां से देखिए थ्री से यह कैंसिल आउट कितना हो जाएगा टेन टाइम्स तो इसका मतलब क्या हो गया सर ये हमारा बच गया है फिफ्टी अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 580 इनटू में 20 अगर ये 20 है तो इससे ये कैंसिल आउट यानी कि सर ये अब हमारा आ गया 5 अपॉन 60 और 10 यानी कि सर 11 अभी लावन 60 ये हमारा आ गया अब 5 बाय 1160 करोगे 5 बाय 1160 करोगे तो कितना आएगा देखिए भाई

आइस बॉक्स इज अ चीप एंड एन इफिशियंट मेथड फॉर द स्टोरिंग स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ द कुक फूड इन द सम इन द पर्टिकुलर यानी कि सर ये बिल्कुल सही है चीप मैथड होता है बिल्कुल सही है चीप मैथड होता है कोई दिक्कत नहीं है अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ द साइड थर्टी सेंटीमीटर हैज अ थिकनेस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर यानी कि सर एक तो हमें दे रखा है एक साइड दे रखी है 30 और थिकनेस दे रखी है 5 क्या दे रखी है थिकनेस हमें दे रखी है 5 क्या दे रखी है थिकनेस हमें दे रही है 5 यानी कि साइड की अगर मैं बात करता हूं तो साइड कितनी दे रखी है साइड हमें कितना दे रखी है साइड हमें दे रखी है सर थर्टी सेंटीमीटर ठीक है और उसके बाद में हमें थिकनेस कितनी दे रखी है बेटा थिकनेस की अगर बात कर टी हमारी यहाँ पे टेम्परेचर मत समझ लेना ये है हमारी थिकनेस क्या है थिकनेस की बात कर रहा है क्या कर रहा है बेटा थिकनेस की बात कर रहा है कितनी दे रखी है फाइव सेंटीमीटर ओके भाई नेक्स्ट क्या दे रखा है एफ फोर केजी ऑफ द आइस इज पुट इन द बॉक्स यानी कि मास हमें दे रखा है कितना दे रखा है फोर केजी मास कितना दे रखा है फोर केजी अब बोला है आइस इन द बॉक्स एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर सिक्स आवर्स यानी सर अब हमें जो टाइम दिया है वो कितना दिया है ये स्मॉल थिकनेस के लिए है सिक्स आर्स और सिक्स आर्स से बेटा तो ये हमारा है तो इसको अगर मैं टाइम सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सिक्स आर है इसके अंदर कितने मिनट होते हैं सर सिक्सटी मिनट होती है इसके अंदर सेकंड कितनी हो सिक्सटी सेकंड होती है ठीक है outside, अब देखिए यहाँ पे द आउटसाइड साइड इज फॉर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि सर टेम है आउटसाइड साइड अब इनर तो जीरो डिग्री होगा इनर अगर जीरो डिग्री होती है कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस क्योंकि आइस के लिए कितना होता है जीरो डिग्री इनर साइड एंड द कोफिशेंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द थर्मो क्या है थर्मोकॉल इज जीरो पॉइंट जीरो वन यानी कि सर हमारा दे रखा है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशेंट की बात किया, की बात किया और कितना दे है सर दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो हमें दे रखा है हीट ऑफ द फ्यूजन वाटर थ्री थ्री फाइव इंटू टेन टू डी पावर थ्री जूल के जी माइनस वन यानी कि सर ये हमें क्या दे रखी है लेटेंट हीट दे रखी है एल की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है थ्री थ्री फाइव इंटू में टेन टू डी पावर थ्री जूल के जी माइनस वन अब हमें चाहिए क्या अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड यानी कि सर हमारा अमाउंट कितना बचा है उसकी वैल्यू हमें चाहिए यानी कि सर सीधा सीधा चाहिए

अपॉन में हो जाती है थिकनेस इंटू में हो जाएगा जो भी टाइम पीरियड है यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सिक्स इंटू छत्तीस सौ और ये किसका इक्वल हो जाएगा सर ये इक्वल हो जाएगा लेटेंट हीट यानी कि सर एम आई और एल एफ के हो जाएगा ये पूरी मैंने हीट की कैलकुलेशन की है क्या किया बेटा हीट की कैलकुलेशन मैंने कर लिया क्या किया ये हीट की कैलकुलेशन की है आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा बिल्कुल दिख रहा है यहां पे जो के होता है ये हमारा क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए काम में लिया जाता है अगर मैं के की बात करूं तो किसके लिए होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए काम में लिया जाता है अगर के की मैं बात करता हूं के की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए काम में लिया जाता है ठीक है भाई मास हमें दे रखा है 4 के ठीक है 4 के यानी कि सर के एरिया और डेल्टी तो सबसे पहले देखिए के हमें दे रखा है, ये दे रखा है। अब मेरे को बात है कि सर पे ए है यानि एरिया है और एरिया हमारा क्या है पावर हो जाएगी सिक्स इंटू नाइन डबल जीरो इंटू में हो जाएगा टेन टू डी पावर माइनस फोर यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा फाइव फोर फाइव फोर डबल जीरो इंटू में हो जाएगा टेन टू डी पावर माइनस फोर यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर मीटर स्क्वायर जीरो पॉइंट फाइव फोर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर और सीधा सीधा यहां से देखें तो क्या दे रखा तो है सर जीरो पॉइंट जीरो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी तो यहां से देखें के की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू में ए का वैल्यू कितना है भाई ए का वैल्यू जस्ट हमें निकाल के आए हम लोग कितना है जीरो पॉइंट फिफ्टी फोर इंटू में क्या हो जाएगा डेल टी और डेल टी कितना है भाई डेल टी एक बार देख लो कितना है यहां तो एक बार पढ़ लीजिए डेल टी कितना दे रखा है भाई डेल टी की अगर मैं बात करता हूं तो कितना दे रखा है 45 फाइव है टी कितना दे रखा है 45 फाइव है टी हमें कितना दे रखा है फोर्टी फाइव ठीक है भाई डेल टी कितना दे रखा है फोर्टी फाइव ओके फोर्टी फाइव हो गया इंटू में कितना हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स डबल जीरो इज इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा थिकनेस क्या है थिकनेस थिकनेस कितनी है फाइव सेंटीमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम और एलएफ अब यहां से देखिए क्या दे रखा है अब यहां से देखिए हमें चाहिए एम यानी कि सर कितना उसमें मास का क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है तो एम क्या हो जाएगा एम हो जाएगा जीरो इनटू में ज़ीरो पॉइंट फाइव फोर जीरो पॉइंट फाइव फोर क्या है जीरो पॉइंट फाइव फोर इन में हो जाएगा फोर्टी फाइव इन में हो जाएगा सिक्स इनटू में हो जाएगा थ्री सिक्स डबल जीरो अपॉन में अपॉन में हो जाएगा बेटा अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा अपॉन में, में हमारा हो जाएगा एल एफ एल एफ का मतलब क्या है लेटेंट हीट कितना है भाई ये पहले तो थिकनेस लिख लीजिए जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव में क्या आ जाएगा इन में आ जाएगा सर थ्री थ्री फाइव थ्री थ्री फाइव टू टेन टू डी पावर थ्री टेंट डी पावर थ्री बोलो ठीक है बोलो ठीक है ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया है ये हमारा आ गया है अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं और बताइए कितना आंसर आ रहा है अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू थ्री थ्री फाइव इंटू फोर थ्री ये हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री के जी कितना आ जाएगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री के जी यानी कि सर इतना हमारा क्या हुआ है उसके अंदर हमारा मेल्ट हो गया क्या हो गया इतना मेल्ट हुआ है अगर ये मेल्ट हुआ है तो उसके बाद में बचा क्या है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर सिक्स आवर्स रिमेनिंग कितनी होगी इनिशियल कंडीशन में कितना था फोर था इनिशियल कंडीशन में कितना था फोर्थ था और ये कितना है जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री है तो कितना हो जाएगा भाई देखिए यहां, यहां से अगर मैं इसको मान लेता हूं यहाँ से मैं इससे एक उधार ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट यहां पर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा एट और सेवन ये हमारा हो जाएगा केजी रिमेनिंग केजी क्या हो जाएगा रिमेनिंग यानी थ्री पॉइंट सिक्स एट सेवन क्या है थ्री पॉइंट सिक्स एट सेवन कितना है थ्री पॉइंट कितना है बेटा थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स एट सेवन के जी इतना हमारा ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा कि आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या हो जाएगा बेटा ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए अच्छे से करना चाहिए ठीक है भाई बहुत अच्छे से इसको कर लेना चाहिए बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है अब चलते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बहुत अच्छे से समझ में आ गया थ्री पॉइंट सिक्स एट सेवन के जी आंसर हमारा इसका आ जाएगा ठीक है भाई तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल से जुड़ने के लिए अगर आप लोग किसी भी सवाल के अंदर डाउट है कहीं भी कोई डाउट है तो उसको क्या करना है आप लोगों को बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डालना है जिससे क्या है हम लोग उस डाउट के आप लोगों को क्लियर कर पाए तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद